मैं हूं रमेश राजा और आप देख रहे हैं 7 मिनट में सासाराम। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद आज सासाराम के सांसद छेदी पासवान पूर्वा एक्सप्रेस से सासाराम पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि क्षेत्रीय सांसद छेदी पासवान जी सासाराम पहुंचने के बाद क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यों का भी जायजा लेंगे। काराकाट के भरत कस्बा गाँव में शराब माफियाओं ने गाँव के चौकीदार एवं उसकी पत्नी को हमला करके घायल कर दिया है। आपको बता दें कि शराब माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान में काराकाट थाना ने भरत कस्बा गांव में छापेमारी किया था, जिसको लेकर शराब माफियाओं ने गांव के ही चौकीदार एवं उसकी पत्नी को पीट पीट कर घायल कर दिया है, जिनको बेहतर इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सासाराम के मुफस्सिल थाना अंतर्गत बेदा गाँव के पास एक ट्रैक्टर और ऑटो में टक्कर के कारण ट्रैक्टर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको बेहतर इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल ड्राइवर का नाम जयराम राय है, जिसके पिता का नाम रघुवंश राय है, जो करहगढ़ थाना के बड़की अकोढ़ी गांव का रहने वाला है। सासाराम के लखनऊ सराय मोहल्ले में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक 25 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जेल महिला का नाम पूजा कुमारी के पति का नाम पिंटू सिंह बताया जा रहा है, जिसको बेहतर इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। डेहरी नगर थाना अंतर्गत आने वाले पाली रोड पर दो बाइक के बीच हुई टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक का नाम विकास कुमार तथा उसके पिता का नाम श्रवण सोनकर है। बताया जा रहा है कि घायल युवक पत्थर मोहल्ले का रहने वाला है, जो किसी काम से जा रहा था, जहाँ सामने से आ रही एक बाइक से उसकी टक्कर हो गई। दो दिन पहले संजौली थाना धनकुटिया से बरामद शव का पहचान आज उसके परिजन के द्वारा सदर अस्पताल पहुंचकर किया गया। आज सुबह ही मृतक की चाची ने दो दिन पहले हुए मृतक की हत्या का खुलासा किया, जिसमें मृतक का पहचान भोजपुर जिला के बघेल थाना अंतर्गत पोखराहा गांव के निवासी मनीष पांडे के रूप में हुआ। सासाराम के फाजलगंज स्टेडियम में नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील किया गया। आज के इस कार्यक्रम में जिला ओएसडी परवीन चंदन, जीपीआरओ सत्यप्रिय कुमार एवं अन्य वरीय पदाधिकारी भी शामिल हैं। आज सासाराम के कलेक्ट्रेट स्थित डीआरडीए सभागार में नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। आज के वर्चुअल व संवाद में नगर आवास विभाग से संबंधित सभी वरीय पदाधिकारी एवं नगर आयुक्त सासाराम में शामिल रहे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए 7 मिनट में सासाराम। धन्यवाद।